गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। आज हमारे साथ है डॉक्टर अभी सोना कब डॉक्टर ही कहूँगा, है ना, एम्स में चला गया है और अभी के फादर भी हैं। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून बेटा। अभी देख सारे ही तुम्हारे गुरुजी आज प्रेजेंट हैं, मनीष सर भी हैं और मिश्रा जी भी हैं, नवनीत गुड सर भी आफ्टरनून हैं। सर। गुड आफ्टरनून सर। गुड गुड आफ्टरनून, आफ्टरनून अभी कैसे हो? आई एम फाइन सर। हाँ सर। अभी सोना हॉस्टल में रहता था, सर, जानता हूँ। हाँ, सेक्टर 6 में, और अभी ने मात्र 6 महीने पढ़ाई की है। क्लास 11th 12th में कोई कोचिंग नहीं की थी और अभी के फादर मुझे मिले थे गुरुकुल कुरुक्षेत्र में। किसी ने कहा कि आप सर से जाके मिलो और किसी कारण से अभी जो है वो नहीं जा पाया था कहीं बाहर पढ़ने के लिए, तो किसी ने फादर को बताया कि आप जेनेसिस आप ले जाइए, कोई सेलेक्ट हुआ होगा यहाँ से, तो वो सारी चीजें बताएंगे अभी के फादर। और मैं तो सारा क्रेडिट जो है वो सिलेक्शन का अभी को दूंगा, क्योंकि हम लोगों ने 6 महीने पढ़ाया, उसके बाद में हम तो इतना ज्यादा टच में नहीं रह पाए थे क्योंकि लास्ट ईयर लॉकडाउन पहले हो गया था, मार्च में ही लास्ट मार्च लॉकडाउन हो गया था, उसके बाद ऑनलाइन टेस्ट हुए और अभी के जो मार्क्स थे वो 450 400 इस तरह से आते थे। जब मैं हॉस्टल जाता था तो अभी आता था क्वेश्चन पूछने के लिए, परेशान भी होता था, सर नंबर नहीं आ रहे, सिलेक्शन होगा नहीं होगा। मेरे साथ के कुछ दोस्त बहुत बड़ी बड़ी कोचिंग में पढ़ रहे हैं, जो 11th 12th से ही पढ़ रहे थे, मैंने तो अभी स्टार्ट किया है। लेकिन सोच रखा था कि कुछ करना ही है और अभी के फादर भी हमेशा कांटेक्ट में रहते थे और हम और आपसे क्वेश्चंस वगैरह भी पूछता था, तो मैंने जब इसका एम्स में सिलेक्शन हुआ और नीट में इसके मार्क्स 642 आए, तो मैंने पूछा, मैंने यार कैसे कर दिया 400 से 642 मार्क्स कैसे किया, तो कहता सर 642 नहीं, मेरे तो 700 ही आते, मुझे पूरा पेपर आता था, वो बस कुछ मिस्टेक हो गई उस समय तो इसलिए मेरे नंबर कम आए, अदरवाइज मेरा पूरा का पूरा टोटल पेपर मुझे आता था, जो भी आप लोगों ने पढ़ाया जो टेस्ट लिए उससे बाहर कुछ था ही नहीं। तो मैंने इसका रीजन तो बता कैसे किया, तो अभी ने मुझे बताया कि सर मैंने एक एक पेपर की एनालिसिस की, जो आप टेस्ट पेपर लेते थे ऑनलाइन भी या पीडीएफ भी जो आते थे, तो मैं उन सारे टेस्ट पेपर को प्रॉपर ढंग से खुद डिस्कस करता था, पहले आप लोगों से पूछने से पहले एनसीईआरटी के लाइनें पढ़ता था और सारे ऑप्शन को चेक करता था। तो लास्ट के जो 2-3 महीने मैंने यही काम किया और जब मैं पेपर देने बैठा तो सारे के सारे क्वेश्चन ऐसा लगा था कि मैं जेनेसिस का टेस्ट पेपर दे रहा हूँ, और 700 तक लगभग मेरे को आता था, लेकिन वो ज्यादा खुशी में थोड़े मार्क्स कम हुए। तो बेटा चलो मैं तो बोलता ही रहता हूँ, मेरे से तो बच्चे वैसे भी बोर हो गए होंगे, बार बार कभी वॉइस एसएमएस डालता हूँ मोटिवेट करने के लिए, तो मुझे तो ज्यादा नहीं सुनना चाहेंगे, तो आज अभी को ही बच्चे सुनना चाहते हैं। तो अभी अगर फादर है तो पहले फादर को बोलो, है ना, और फिर आप बताओ बच्चों को, है ना, क्योंकि आपने देखो काफी बड़ा अचीवमेंट है, एक छोटी सी जगह से, अभी जो है एक छोटे से गांव से है जो कुरुक्षेत्र के पास है, ठीक है। हाँ अभी बच्चे आपका वेट कर रहे हैं और सुनना चाहते हैं अभी को। गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। आई होप यू ऑल आर गुड। एज वी नो दैट कोविड पैंडेमिक इज गोइंग ऑन, सो ऑल ऑफ अस एंड पार्टिकुलरली स्टूडेंट्स आर फेसिंग अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स, पार्टिकुलरली दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लाइक नीट। सो एज वी नो दैट लेक्चर्स आर गोइंग ऑनलाइन, प्रॉपर इंटरेक्शन इज बेसिकली नॉट पॉसिबल, सो रिस्पॉन्सिबिलिटीज नाउ इंक्रीज्ड मैनी फोल्ड्स for teachers as well as for us students. So now what we have to do, we have to be disciplined and determined. Now if I talk about NEET preparation or for any other exam, in my opinion, along with proper guidance as you are already provided with by our worthy teachers at Genesis, three things matters the most at students' part. So first thing is the focus.
we must keep our focus razor sharp during lectures or as well as during home while doing self-study. So one point is that baaton mein nahi khona hai. We have to keep focused. We should try to grab most of the things from the lecture. There is one factor that paying proper attention will make the lecture easy as well as interesting. और फिर रिवीजन करने में भी थोड़ा टाइम ही लगेगा, क्वेश्चंस भी आसानी से सॉल्व होंगे. सो फर्स्ट थिंग, आपको फोकस लॉस नहीं होने देना है, मैक्सिमम ग्रैब करने की कोशिश रखनी है, एंड जो टीचर्स पढ़ा रहे हैं उसको ध्यान से सुनना है, या जब आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो भी पढ़ाई पे ही फोकस रखना है. नाउ इफ आई टॉक अबाउट सेकेंड थिंग इज द प्रैक्टिस. Now, whatever has been taught to you in your class or you studied by your own, practice as much questions as you can and within stipulated time. Or questions practice ke liye Genesis ka module sufficient hai. They will make the concepts very clear. So questions practice kijiye. Jo doubt banta hai usse within 1 to 2 days clear kar lena, ya khud teachers ke contact se. और जो क्वेश्चंस आपसे फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं हुए, आपने 2-3 बार ट्राई किया, 4th बार में हुए, 5वीं बार में हुए, या ज़्यादा टाइम वेस्ट हुआ उस पर्टिकुलर क्वेश्चन पर, तो उसे टिक कर लेना है. और जब आप दोबारा उस पर्टिकुलर चैप्टर को रिवाइज कर रहे हैं तो उन क्वेश्चंस को पहले सबसे पहले ट्राई कर रहे हैं जो आपसे पहली बार में नहीं बने थे. आपने हाँ कॉन्सेप्ट आता था, आप सेकेंड थर्ड ट्राई में उसको किया, बट ड्यूरिंग जब आप दोबारा उस चैप्टर को रिवाइज कर रहे हो तो जो टिक क्वेश्चन है पहले आप उनको ट्राई करना, और ऐसे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, सो दैट आपका जो कंसेप्ट है वो रिफाइन होता रहेगा. नाउ द थर्ड थिंग इज द एनालिसिस. फॉर एग्जाम्पल, आपका टेस्ट हुआ, और अब ऐसा नहीं है कि आपको उसे वहीं पर लीव कर देना कि टेस्ट हो गया बस. आपको चेक करना है कि मिस्टेक्स कहाँ कहाँ हुई हैं, सो दैट इन फ्यूचर उससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन आए तो गलत ना हो. और ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि इससे टाइप ऑफ क्वेश्चन फ्रेमिंग और रिलेटेड कॉन्सेप्ट दोनों समझ में आ जाते हैं. मैं ऐसा करता था कि कोई भी क्वेश्चन अगर गलत हुआ या कोई नया कॉन्सेप्ट बन रहा है तो उसे अलग नोटबुक में लिख लेता था, और उन क्वेश्चंस या उन कॉन्सेप्ट को अपने स्पेयर टाइम में, फ्री टाइम में रिवाइज कर लेता था. सो एक प्रॉपर एनालिसिस बहुत ज़्यादा मैटर करता है. अभी ड्यूरिंग नीट प्रिपरेशन, अभी जैसे टेस्ट होते हैं, तो यहाँ पे ये मैटर नहीं करता है कि आपके नंबर कितने आ रहे हैं और आपका रैंक कितना आ रहा है. अगर नंबर कम आ रहे हैं, रैंक ज़्यादा आ रहा है, तो ये स्ट्रेस की बात नहीं है. अब मैटर जो चीज़ करती है वो है आपकी कॉन्सेप्ट क्लियरिंग, वो है क्वालिटी ऑफ क्वेश्चंस दैट यू आर ट्राइंग. डेफिनेटली इससे कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर होते हैं अगर आप प्रॉपर एनालिसिस कर रहे हैं तो. और एक पर्टिकुलर फोकस, प्रॉपर प्रैक्टिस और प्रॉपर एनालिसिस, डेफिनेटली इट विल स्कोर, इट विल बूस्ट योर स्कोर. एंड बट एक और चीज आपको ध्यान क्या रखने हैं कि माइनर मिस्टेक्स को अवॉइड करना है. माइनर मिस्टेक्स बहुत कॉमनली होती हैं. फॉर एग्जांपल फिजिक्स की अगर हम बात करें तो कैलकुलेटिव प्रॉब्लम्स थोड़ा बहुत हो जाता है, जैसे फॉर एग्जांपल द आंसर इज 1/4 एंड 4 आ गया, आपने 4 लगा दिया. तो इन छोटी छोटी जो मिस्टेक्स हैं इनको भी अवॉइड करना है. और एक और चीज़ का ध्यान रखना है, जैसे आपका एग्ज़ाम प्रॉपर एक डेडलाइन से पहले अगर फिनिश हो जाता है तो आपको ध्यान रखना है कि OMR फिल करने से पहले एक बार दोबारा से पेपर को एनालाइज करना, और फिर उसके बाद OMR को फिल करना, उससे जो एवरीथिंग विल बी फाइन. सो ये मैटर नहीं करता है कि अभी ड्यूरिंग नीट प्रिपरेशन ये मैटर नहीं कर रहा है कि आपके स्कोर क्या चल रहा है और रैंक क्या चल रहा है. अभी आपको अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस लूज नहीं करना, यू हैव टू बी कॉन्फिडेंट एंड प्रॉपर एनालाइज के साथ चलते रहना, प्रैक्टिस के साथ चलते रहना, और यू हैव टू कीप योर फोकस रेजर शार्प. प्लीज यू शुड पे प्रॉपर अटेंशन ड्यूरिंग लेक्चर्स, और मैक्सिमम ग्रैब करने की कोशिश करो, ताकि वापस आने के बाद जब आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो या रिवाइज कर रहे हो
So it will take very less time, and you will be having more time to practice your questions. So everything will be fine. Stay safe. Thank you. All the best. Thank you, sir. हमारे बीच में स्कंद गौतम है, AFMC. स्कंद के बारे में बताना चाहूंगा. जब मैं स्कंद से मिलता था जाकर रेगुलर, ये स्कंद गौतम हमारे कुरुक्षेत्र सेंटर में पढ़ता था. कुरुक्षेत्र सेंटर में टोटल लगभग 10 बच्चे थे, जिसमें तीन या चार बच्चों को गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिला है, उसमें स्कंद गौतम है. तो स्कंद का एम था कि सर मुझे AFMC चाहिए. तो देखो, जो उसका एम था कि मुझे AFMC चाहिए, AFMC मिला. लेकिन बीच में जैसे इसको लगा कि मार्क्स शायद 637 थे स्कंद के, तो स्कंद को लग रहा था कि शायद कभी ना मिले. मेरे पास फोन आया कि सर मेरे मार्क्स कम रह गए, हो सकता है कि मुझे ना मिले. लेकिन जब फाइनल लिस्ट आई तो स्कंद की रैंक 1 थी, जो AFMC की लिस्ट बनी थी. स्कंद आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हो, बहुत सारे बच्चे आपको सुनना चाहते हैं, और अपना वीडियो भी ऑन कर लो. स्कंद अभी AFMC में ही है, अपने रूम से ही वेबिनार दे रहा है, तो AFMC के दर्शन भी करा देना है ना. हाँ AFMC, हाँ स्कंद. हेलो एवरीवन, एंड सर ने तो कुछ ज्यादा ही बोल दिया मेरे बारे में, इतना भी कुछ खास नहीं था. बट हाँ, मेरा शुरू से था कि मुझे AFMC में ही आना है, और मुझे कुछ और कभी चाहिए नहीं था. मतलब क्योंकि मेरी मेडिकल लाइन में आने का मोटिव ही ये था कि मुझे फोर्सेस ज्वाइन करनी है. मैंने पहले ट्राई किया, एक बार नहीं हुआ, चलो ठीक है कोई बात नहीं. फिर मेरे चाचा जी रहते हैं कुरुक्षेत्र में, तो उन्होंने सजेस्ट किया कि उनकी लड़की यहाँ जाती है जेनेसिस पे, इनका काफी अच्छा रिस्पांस है, तो एक बार आके मिल लो, ज्वाइन कर लो, देख लो. तो ठीक है, फिर हम पापा ने बोला ठीक है देख लेते हैं. तो हम गए, कुरुक्षेत्र वाली ब्रांच ज्वाइन की मैंने. तो हफ्ते दो हफ्ते बाद ये भी था कि अगर कुरुक्षेत्र नहीं ठीक से चल रहा है तो करनाल वाली ब्रांच ज्वाइन कर लेते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं था कि हाँ ठीक है कि ये तो नहीं खुली है, इसमें क्या ही होगा, टीचर्स नए हैं, ये है वो है. और करनाल वाली ब्रांच बहुत पुरानी है, सर भी वहीं रहते, जितेंद्र सर, सारी फैकल्टी वहीं रहती है अच्छे वाली. पर मेरा कहीं ना कहीं मतलब मन नहीं था कि नहीं क्या, तो क्या हो गया ब्रांच नहीं खुली है, तो सर्वेलेंस तो उन्हीं का है ना, जितेंद्र सर आते तो है ही रेगुलरली. और ये बात सर की बहुत अच्छी थी कि सर रेगुलरली आते थे. अब वो मेरे लिए आते थे या ब्रांच के लिए आते थे वो तो सर बेहतर जानते होंगे, पर आते जरूर थे. क्लासेस भी ली है सर ने बीच बीच में एक दो. तो सर सर की और पूरी फैकल्टी की ये बात बहुत अच्छी थी कि वो कभी भी स्टूडेंट का साथ नहीं छोड़ते थे. मैं मतलब ऐसा होता था कि एक टेस्ट में मेरे अच्छे आ गए, चलो ठीक है सब खुश हैं कि अच्छे आ गए, फिर मेरे दो तीन टेस्ट में गंदे आ जाते थे. पर कभी किसी ने मेरे को मतलब डांटा नहीं कि तेरे गंदे क्यों आ रहे हैं, ये क्यों हो रहा है, वो क्यों हो रहा है. हमेशा समझाते थे कि अपनी गलतियां देखो, पहचानो, अगली बार रिपीट मत करो, और रिपीट हो रही है तो क्यों हो रही है ये भी देखो. जो बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए सबसे बड़ी बात तो यही है कि अपनी गलतियां पहचानना सीखो पहले तो. क्योंकि क्या होता है ना, हम एग्जाम देते हैं, नंबर अच्छे आते हैं तो खुश हो जाते हैं, बुरे आते हैं तो दुखी हो जाते हैं. मुड़ के पेपर नहीं देखते, अच्छे आए तो भी पेपर देखो और बुरे आए तो जरूर देखो. जो क्वेश्चन गलत हुए हैं उनको देख लेते हैं कि ठीक है ये गलत हुए थे, ये क्यों गलत हुए थे, डाउट्स ले लिए. जो क्वेश्चन सही हुए हैं उनको भी देखो, दोबारा देखो, क्योंकि जरूरी नहीं है कि एक क्वेश्चन अभी सही हुआ है तो अगली बार भी सही होगा. कई बार होता है हम कैलकुलेशन करते हैं, कुछ मिस्टेक होती है, गलती से आंसर सही आ जाता है, गलती से आंसर गलत आ जाता है. तो सारे क्वेश्चन देखो, जितने भी 180 क्वेश्चन होते हैं सबके सब देखने जरूरी है. और सारे क्वेश्चंस के कई बार होता है कि हम किसी तरीके से आंसर पर पहुंचते हैं पर वो तरीका गलत होता है और हमारा आंसर सही आ जाता है, तो उससे एक क्वेश्चन तो बन गया, जरूरी थोड़ी हर क्वेश्चन बनेगा. तो ऐसे भी क्वेश्चन जरूर देखने. और अभी सर इनका जो भी पेपर देने वाले हैं आने वाला, उनका सिलेबस तो हो गया होगा पूरा. जो 12th वाले उनका तो पूरा होने के बाद कई सारे टेस्ट सीरीज भी कंप्लीट हो गई, और ड्रॉपर का कुछ बचा हुआ है, चल रहा है अभी, लेकिन समय मिलना है. हाँ, नहीं क्योंकि इनका पेपर की डेट कुछ फिक्स नहीं है, अभी 1 अगस्त दे रखी है, उसके बाद पता नहीं कब आएगा. तुम लोगों जैसे ही टाइम आ गया, जैसे तुम लोग भी बीच में परेशान होते थे ना कि यस सर वही होगा कैसे. बिल्कुल बिल्कुल. तो सर इन जो बच्चे अभी देने वाले हैं पेपर, उनके लिए तो
बहुत जरूरी है कि अपना फोकस लूज मत करो, क्योंकि होता है हमारे साथ भी हुआ था, पेपर पोस्टपोन हो रहा है यार, थक गए यार, हो गया, कितने पेपर दें, दिन के कितने पेपर दें, कितनी बार रिवाइज करें, सेम चीज तो है, बार बार क्यों पढ़े। मानता हूँ बार बार क्यों पढ़े, मत पढ़ो, आता है ना, पेपर दो जितने दे सकते हो। मैं जब अपने चाचू के घर पे था तो मैं दिन के दो पेपर देता था, मैं जब अपने घर वापस गया पापा के पास, पापा ले गए थे मुझे वापस, तो मेरे पापा ने बोला कि दिन के तीन पेपर देगा नहीं तो मैं वापस छोड़ाऊंगा। इस चक्कर में मैं दिन के तीन दिन पेपर देने लगा, दिन के चार पेपर भी दिए हैं मैंने। तो पेपर दो मजा आएगा, पर अपने पेपर जरूर देखो, बेशक तुम एक पेपर दो, दो पेपर दो, पेपर देखो जरूर। और जैसे कि ट्वेल्थ का हो गया है, सीरीज भी वो लोग बहुत दे चुके हैं, तो उठाओ यार पुराने पेपर, शुरू हो जाओ। क्योंकि अभी अगर ये सोचोगे कि एक दिन का ऑफ ले लेते हैं, चलो ठीक है हो गया, वो एक दिन के ऑफ को दो तीन दिन का ऑफ बनने मत दो, क्योंकि होता है एक दिन आलस चढ़ता है ना, तो बस हमारे यहाँ भी होता है, अभी यहाँ एफएमसी की बात ले लो, हम लोग मतलब सुबह जाते हैं 8 बजे निकलते हैं, निकलते थे एक्चुअली हम 6 बजे रूम से, पीटी वीटी होती है, फिर वापस आते हैं, फिर 8 बजे जाते हैं क्लास के लिए, ब्रेकफास्ट किया 8:30 से शाम के 4 बजे तक क्लास होती है, कभी कभी 5 बजे तक भी होती है, और फिर स्पोर्ट्स होता है। और मैं तो जैसे कि बास्केटबॉल में, बास्केटबॉल क्लब में हूँ, तो उस क्लब की तो अलग ही कुछ अहमियत है यहाँ पे, तो हम लोग 9 बजे वापस आते हैं रूम में। अब इतने थके हारे आ गए, सोचा कि अगले दिन का ऑफ ले लेते हैं, वो अगले दिन का ऑफ लेने के चक्कर में वो 2-3 दिन का ऑफ बन जाता है, जो आदत बहुत बुरी है, नहीं होनी चाहिए। अभी तक तो नहीं हुआ, क्योंकि जब भी ऐसी क्लास बंक होती है तो फाइन कटता है, तो इसलिए कोई बंक बंक करता नहीं है, बट सीनियर्स में कुछ है तो होता है। तो वही है, लगे रहो। और अभी ने बहुत कुछ बता दिया तुम्हें, तो पढ़ाई से रिलेटेड तो मेरे पास कुछ बचा नहीं बताने के लिए, अभी ने बहुत बताया कि हाँ पेपर देखो और क्या क्वेश्चंस, क्या गलती वगैरह वगैरह सब है, बहुत अच्छे से बताया उसने, तो बस इतना ही है। और अगर कुछ क्वेश्चंस हैं किसी कुछ बच्चे के एफएमसी के बारे में या फिर पढ़ाई के बारे में, मैं हमेशा एफएमसी में जाकर कैसा लग रहा है, क्योंकि तेरा तो सपना था, तो जैसा सोचा था वैसा ही है, उससे भी बेटर है। देख लो सर, जैसा सोचा था उससे लाख गुना बेटर है सर, मतलब आप एक तो वो होता है कि हाँ कंधों पे तारे लग गए तो फील आता है कि हाँ यार ऑफिसर बन गए, मजा आ गया। पर यहाँ आगे जब आप मेडिकल कैडेट की यूनिफॉर्म पहनते हो ना, हमें यूनिफॉर्म 3-4 महीने बाद मिलती है, क्योंकि वो सिलती है तो हाथों हाथ तो दे नहीं सकते, तो जो 3-4 महीने तक हम लोग ऐसे नॉर्मल व्हाइट एंड ब्लैक्स में रहते हैं, उसके बाद जब वो यूनिफॉर्म पहले दिन पहनते हैं ना सर, ऐसा लगता है मतलब पता नहीं बस बन गए ऑफिसर, आज तो आज ही बन गए। बहुत अच्छी फील आती है सर। और यहाँ का एनवायरनमेंट मतलब इतना गजब है ना, मैं आपको दिखाता हूँ, देखो सब लोग यहाँ पे मतलब कैसा। हमारा फ्लोर एक्चुअली सबसे पहला फ्लोर है, तो हमारा जो ये देखो सर, चारों तरफ हरियाली हरियाली है, और ये तो सिर्फ हमारे फ्लोर से दिख रहा है, मतलब पूरा कॉलेज इससे भी ज्यादा बेहतर है। ये हमारी बिल्डिंग्स हैं, ये फ्लोर है, वो मेरा फ्लोरमेट खड़ा है वहां पे। तो सर मतलब पढ़ाई के लिए भी, खेलने के लिए भी, और सब चीजों के लिए जो आपको करना है, आप मतलब यहाँ किसी चीज की रोक टोक नहीं है। हाँ ठीक है, जूनियर्स होते हैं तो थोड़ा होता है कि सीनियर्स बोल रहे हैं, बुला रहे हैं, काम करवा रहे हैं, वो तो हर कॉलेज में ही होता है, पर बाहर के कॉलेजेस से बहुत बेटर है। और इसकी ऑल इंडिया रैंकिंग भी बहुत अच्छी है, मतलब यहाँ तो हम लोग बोलते हैं कि, क्योंकि हम अंदर रहते हैं हमें पता है कि ये इंडिया का दी बेस्ट कॉलेज है, बट ठीक है बाहर के जो टाइम्स ऑफ इंडिया है और द हिंदू न्यूज़पेपर वगैरह है, उन्होंने इनको इंडिया का थर्ड बेस्ट कॉलेज बताया है। ओके, बस वो है कि यहाँ बॉन्ड की वजह से बच्चे नहीं आते हैं। ऐसा मत सोचो कि बॉन्ड है यार, तुम मतलब हमारे यहाँ ना नीचे फ्लोर से जब हम उतरते हैं तो सामने एक बड़ा सा पोस्टर लगा है, उस पर लिखा है कि वाई डू यू ज्वाइन आर्म फोर्सेज, उसके नीचे आंसर लिखा है बिकॉज लाइफ इज वे टू एक्साइटिंग टू वियर बोरिंग क्लोथ्स। मतलब और कुछ नहीं आता, तुम यूनिफॉर्म के लिए ज्वाइन कर लो। तो सर बहुत सही है यहाँ पे, बहुत मजा आता है, और फैकल्टी सारी डॉक्टर्स हैं, ऑफिसर्स हैं, सब यहाँ से ही गुजरे हैं, सबको पता है कैसे चलता है कैसे नहीं चलता है, और काफी अच्छी फैकल्टीज भी हैं, एम्स दिल्ली से भी लोग हमें पढ़ाने आते हैं यहाँ पे। अच्छा, तो इसका इसकी फी है कुछ या नहीं है? सर इसकी फीस वन टाइम डिपॉजिट है 83,000, वो साल दर साल चेंज होती रहती है थोड़ी, मतलब 1,000-2,000 का फर्क पड़ता है,
और वो एक्चुअली फीस नहीं है, वो डिपॉजिट है, वो हमें महीने 2 महीने में वापस मिलता रहता है, मतलब इंस्टॉलमेंट्स में वापस मिलता रहता है। जैसे कभी फर्स्ट अलाउंस में मिलता है हमें 11,000 का, फिर 2100 का, फिर 2100 का, फिर ऐसे 1500 का। बट हाँ सर, कुछ है जैसे कि हमारा मैस बिल कटता है हर महीने 1500 रुपए, और हमें यूनिवर्सिटी फीस देनी पड़ती है, वो जो बेयर मिनिमम फीस होती है ना, 3,000 4,000 साल में 2 बार देनी पड़ती है। तो सर फीस तो एम्स से भी कम है मैं कहूँगा, और फैसिलिटीज इतनी है। हमें अभी अभी साइकिल मिली है थोड़े दिन पहले, नहीं पूरे बैच को अच्छा, ये एफएमसी की साइकिल। तरह फ्री मिली है एफएमसी की यस सर, तरफ वो से। जो अलाउंस हम देते हैं ना 83,000 का, उसी में ये सब, मतलब वो हमें वापस मिलता है, वो एज अ फीस ये लोग रखते नहीं है, वो हमें वापस देते बड़ा रहते ऑलमोस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट आप स्वर्ग में रह रहे हो, अपना कैरियर बना रहे हो, हैं। है ना। बिल्कुल और सर, एक बार और बढ़िया से सर मेहनत कर ली तो पेरेंट्स की टेंशन भी कम कर दी। और मैंने बिल्कुल सर, भाई मेरे तो मतलब हाँ घर वाले पापा मम्मी इतने खुश है ना कि चलो यार बाहर के कॉलेज में भी नहीं जाना पड़ा, और फीस भी इतनी कम है, और रह भी अच्छी जगह पे रहे, क्योंकि यार रूम्स भी काफी अच्छे हैं, हर साल व्हाइट वॉश होती है रूम की, और काफी बढ़िया रूम है, कुछ मतलब परेशानी नहीं अभी तक नहीं आई, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई रूम में। और अभी हमें सिंगल सीटर मिल जाएंगे, अभी हम डबल सीटर में है, मेरा रूममेट लंच पे गया हुआ है, तो हमें अभी अगले महीने सिंगल सीटर मिल जाएंगे, फिर हम सिंगल सीटर्स में रहेंगे। तुम्हें याद है कि मैं तुम लोगों के बैच में एक डायलॉग बोला करता था कि भाई कोई भी चीजें शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात तो उसको मिलाने में लग जाती है, एक मूवी का बिल्कुल डायलॉग सर, है। आप दोनों बिल्कुल के केस में ये बिल्कुल पूरा है, आप सर, दोनों के केस में अभी है और स्कंद है, मतलब आप लोगों का जो आपने सोचा भगवान ने पूरा किया। और आप लोगों के यस पेरेंट्स की खुशी देख के जब मैं बात करता हूँ तो मुझे आनंद आ जाता है, पूरा ऐसा लगता है सर, कि मतलब कितनी बड़ी खुशी हमें मिल रही है। तो यस बस सर, हमारी यही है कि आप जितने भी और बच्चे सुन रहे हैं, पेरेंट्स हैं, जैसे ये इन बच्चों के पेरेंट्स, लकी पेरेंट्स बोलूंगा मैं, आप भी इतनी मेहनत करो जो सारे सुनने वाले बच्चे हैं, चाहे वो आईआईटी वाले बच्चे हों, एनडीए वाले हों, मेडिकल वाले हों, कि इन लोगों जैसी ही ऑनेस्टी आपकी होनी चाहिए। देखो हम में से जो भी टीचर पढ़ा रहा था, ये सारे बच्चे कोई क्लास ये नहीं छोड़ते थे। मुझे याद है स्कंद का जैसे बोल रहा था कि तीन तीन टेस्ट पेपर एक दिन में दिए हैं, मेरे से बहुत टेस्ट मंगाए हैं फोन कर करके, जो टेस्ट हो रहे थे उसके अलावा भी टेस्ट पेपर मंगाए हैं। तो मैं चाहूंगा कि अभी भी बताए अपने कॉलेज के बारे में, कुछ दिन कॉलेज में रह के आया है ना, और फीस कितनी है। अच्छा हाँ, एक बच्चा पूछ रहा है कि 1 ईयर की 80,000 है। बेटा बेटा स्कंद ने बताया कि एट्टी नहीं थाउजेंड तो वो डिपोजिट किए हैं, वो फीस नहीं है ना। वो वन टाइम डिपॉजिट है सर, वो बस हमें एडमिशन के टाइम पे डिपॉजिट करना है, वो हमें इंस्टॉलमेंट्स में वापस मिलता रहता है, वापस प्लस मिलता रहा। हर हर महीने हमारे 1500 रुपए कटते हैं, वो मेस बिल है, क्योंकि ये लोग हमें फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रहे हैं तो मेस बिल काटेंगे, बट हर महीने अलाउंस भी आता है, ओके और हमें यूनिवर्सिटी फीस देनी पड़ती है महीने में 6 महीने में 1 बार, मतलब साल में 2 बार, वो डिपेंड करता है यूनिवर्सिटी कितना ले रही है, टर्म वाइज लेती है, तो अराउंड 3,000 4,000 होता है, ज्यादा नहीं। मतलब 6,000 रुपये देना पड़ता है बस, और कुछ नहीं, एक तरह से फ्री में ही हाँ हो गया। साल, हाँ बस वो जो हमारे ऊपर पर्सनल खर्ची है बस वही है, और कुछ नहीं है, मतलब कॉलेज कोई फीस नहीं ले रहा। अच्छा एक बच्चा पूछ रहा है कि इसमें हाइट या वेट या आई साइट मैटर करती है क्या? यस सर, मैटर करती है, कोई ऐसे बेयर मिनिमम हाइट या वेट नहीं है, बट जो हमारा बीएमआई इंडेक्स होता है ना, पता होगा बच्चों को, उसके हिसाब से अपनी हाइट वेट रखना। और हाँ ये जरूरी है, देखो मैं प्रिपरेशन करता था, बट मैंने अपनी बॉडी का, अपनी सेहत का, अपनी हेल्थ का बहुत ख्याल रखा है, मतलब ये बात तो मेरे चाचू जी भी कंफर्म कर सकते हैं कि मैंने एक भी दिन एक्सरसाइज नहीं छोड़ी, या तो मैं सुबह उठ के करता था, या फिर मैं क्लासेस से आने के बाद शाम को आधा घंटा 1 घंटा करता था। करो अभी तो और ज्यादा जरूरी, क्योंकि घर पे बैठे हो, क्लास में जाते थे, पैदल जाते थे, साइकिल पे जाते थे, हो जाती थी, नहीं करो, एक्सरसाइज करो, सुबह उठो 5 बजे, योगा करो, रनिंग करो, साइकिलिंग करो, जो करना है करो, बट आधा 1 घंटा करो, उससे माइंड इतना फ्रेश होता है, तुम्हारा खुद पढ़ने का मन करेगा। अभी होता है ना कि यार इतना पढ़ लिया, पेपर ही नहीं हो रहा है, गवर्नमेंट क्या कर रही है, वो उनका काम है, उनकी भी मजबूरी है बेचारों की, हम भी कॉलेज में बैठे हैं, मतलब पूरे इंडिया के कॉलेज बंद है, मेडिकल कॉलेज, सिर्फ हमारा कॉलेज खुला हुआ, और हमारे कॉलेज के सारे बच्चे इतने फ्रस्ट्रेटेड हैं इस चीज से कि हमें घर क्यों नहीं जाने दे रहे, बट हमारा सेंटर के अंडर आता है, और अगर आर्म फोर्सेस की चीजें ऐसे बंद हो गई तो चलेगा कैसे फिर, ये बात हम समझते हैं, गवर्नमेंट अपनी तरफ से काम कर रही है, उनका काम है उन पर छोड़ दो, तुम अपनी तरफ से क्या कर सकते हो अपनी पढ़ाई को एक्सेलरेट करने के लिए, क्योंकि देखो अगर अभी तुम्हारे नंबर आ रहे हैं अराउंड
होता है बच्चों के 500 550 नहीं है चाहिए, हमें 650 से ऊपर चाहिए, तो धीरे धीरे बढ़ेंगे, वो बढ़ाने जरूरी है। बट अगर तुम फिजिकल एक्सरसाइज करते हो ना, सुबह उठ के योगा करते हो, कंसंट्रेशन एक्सरसाइज करते हो, ओम का उच्चारण होता है, तो तुम देखोगे कि तुम्हारे नंबर ड्रास्टिकली चेंज हो रहे हैं, और वो चेंज हो रहे हैं, वो बढ़ रहे हैं, वो कम नहीं होंगे, वो बढ़ेंगे, क्योंकि तुम्हारा कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा। कई बार क्या होता है ना, मेरे साथ तो ये नीट में भी हुआ था, मैंने क्वेश्चन पढ़ा, मुझे उसका आंसर आता था, मुझे पता था कि उसका आंसर बी है, फिर भी मैं उसका आंसर डी टिक करके आया। ये होता है, माइंड डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, और उस माइंड को डिस्ट्रैक्ट होने से बचाने के लिए हमें करना होता है, कंसंट्रेशन एक्सरसाइजेस करो, योगा करो, जो कर सकते हो करो, बट प्लीज आधा एक घंटा जरूर करो, बहुत फायदेमंद होता है। सुबह उठो, नहीं उठ पाते शाम को करो, आजकल तो पोल्यूशन भी कम ही हो गया है कोरोना की वजह से। नहीं, मैं पता है डेली बोलता हूँ क्लास में सारे बच्चों को, और शुरू से ही, कि एक घंटा या आधे घंटे एक्सरसाइज करें रेगुलर, और पेरेंट्स भी बोलते हैं पर ये बच्चे मानते ही नहीं है। अरे अच्छा, करो। अरे जितेंद्र सर सुबह साइकिलिंग पे जाते हैं यार, पता नहीं है क्या तुम्हें? जितेंद्र सर के घर पे साइकिल रखी है, उनके पूरे परिवार साइकिल पे जाता है, पूछो सर से। अच्छा, ये कुछ बच्चे पूछ रहे हैं कि इसका कोई इंटरव्यू भी होता है, जैसे आपने नीट का एग्जाम दिया, इंटरव्यू होता है? तो इंटरव्यू होता है, बट इतना कुछ खास नहीं होता, मेन मेडिकल होता है, तुम मेडिकली फिट होने चाहिए। आईसाइट है, आईसाइट तुम्हारी वैसे तो 6/36 चलती है, बट तुम्हारा जो स्पेक्स है उसका नंबर प्लस प्लस माइनस 3.5 अलाउड है, उससे ऊपर नहीं होना चाहिए। और बस ठीक है यार, वो सब बाद की बात है, वो सब हो जाएगा, तुम एक बार बेंचमार्क जो है उसको क्लियर करो, पहला नीट है, नीट को क्लियर करो, उसके बाद मैं बिल्कुल ओपन हूँ, तुम मुझे कहीं भी कांटेक्ट कर सकते हो, मेरा नंबर ले सकते हो चाहो तो, नंबर तो मत ही लेना क्योंकि कॉल वॉल में शायद ही उठा पाऊँ, बट टेक्स्ट कर देना मुझे, और क्योंकि सर बहुत पैक रहता हूँ मैं, संडे को भी देखो फॉर्मल्स पहन के बैठा हूँ। कोई भी बच्चा अगर बात करना चाहेगा स्कंद से तो वो मेरे से कांटेक्ट कर लेगा, अगर किसका एफएमसी एम है तो मैं फिर उस बच्चे को नंबर प्रोवाइड करा दूंगा, और वो भी तब जब नीट में मार्क्स आ जाएंगे उसके बाद, है ना? हाँ, कि कैसे करना है, क्या है, ये तो है, देखो हाँ, इतना तो करना पड़ेगा, हाँ, ऐसे नहीं चलेगा काम। हाँ, अभी तो क्या होता है, कुछ बच्चे मेहनत तो करते नहीं है, बस क्वेश्चन पूछना स्टार्ट कर देते हैं, कैसे करें, क्या करें, ऐसे नहीं है ना, बस खाली पुलाव बनाते हैं कि हम कल से उठेंगे, कल से सुबह 5 बजे उठेंगे, मतलब मम्मी उठा रही है, उठ ही नहीं रहे, अलार्म बज रहा है, उसको बंद कर दिया। बेटा ये जो बच्चे सिलेक्ट होते हैं इनको उठाना नहीं पड़ता था, इनके पेरेंट्स ने उठाया नहीं इनको, ठीक है? हाँ, अभी भाई, हाँ, अभी बने रहना स्कंद, है ना, और भी हम क्वेश्चंस पूछेंगे, बड़ा अच्छा लग रहा है। हाँ सर, बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल सर, बिल्कुल, जो भी, हाँ, मतलब क्वेश्चंस है ओपन है, पूछो जो पूछना है, बिल्कुल। अच्छा, अभी एम्स के बारे में बताओ, और एम्स की फीस कितनी है? ठीक है सर, मेरी टोटल कोर्स फीस है सर 50-100 रुपीज, 50-100 टोटल फॉर 5 इयर्स। यस सर। बताओ यार, जो आपने 3-4 करोड़ रुपए कमा लिए, है ना, प्राइवेट कोई भी गवर्नमेंट कॉलेज इतने पैसे में नहीं मिल सकता, किसी में भी किसी भी कीमत पे नहीं मिल सकता, सिर्फ मेहनत से मिल सकता है, और प्राइवेट कॉलेज लगभग 1 करोड़ के लगभग उसमें लग जाता है, तो आपने कितनी बड़ी खुशी और कितना बड़ा बर्डन अपने पेरेंट्स से कम कर दिया। और सर, और केयर सर बहुत ज्यादा केयर करते हैं वहाँ पे, जो टीचर्स हैं, जो भी अकेडमी का नॉन अकेडमिक स्टाफ है, बहुत ज्यादा केयर करता है सर, अब स्टडीज के मामले में हो या सर और कोई फील्ड, सर हर फील्ड में सर बहुत ज्यादा केयर होते हैं सर, इतनी ज्यादा फैसिलिटीज हैं, बहुत ज्यादा सर, आई एम रियली एंजॉयिंग लाइफ। देखो मुझे देख के तुमको स्कंद गोदो को इतना अच्छा लग रहा है, क्योंकि जब मैं पुराना समय जब मैं आपसे मिलता था स्कंद से या अभी से, तो टेंशन में रहते थे, है ना, क्योंकि उससे बड़ा अनसर्टेनिटी का समय होता है, लेकिन आज मिलके और अब तुम इतना अच्छा बोल रहे हो दोनों के दोनों यार, इतना अच्छा लग रहा है सुनने में, और आपके इस आज जो वर्ड्स आप बोल रहे हो, इससे अगर मेरे 4 बच्चे 5 बच्चों का भी फ्यूचर अगर बनता है, तुम्हारी बातें सुन के वो मोटिवेट होते हैं, तो समझो कि आपके आपके फ्यूचर के लिए भी बढ़िया है, ये दुआएं आपको लगनी है। मनीष सर भी हैं, मनीष सर अब अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं आप, और आप भी अपनी तरफ से क्वेश्चन पूछिए इन बच्चों से।
मैंने आपको अनम्यूट कर दिया। और डगलट मेरे क्लास में रहता था वो, तो और बड़े इसके जेन्युइन डाउट्स होते थे बहुत, वैसे कम पूछता था ये, बड़ा साई साई स्टूडेंट रहा ये क्लास में। हाँ ये सर अपने काम से काम रखता था, बिल्कुल बिल्कुल कोई मतलब नहीं। मैं देखता था हॉस्टल में बाकी बच्चे जो हैं कुछ कुछ कर रहे हैं, कुछ को बोलना पड़ रहा है मुझे, कुछ चुपके से जोमेटो से कुछ मंगा ले रहे हैं, लेकिन ये अपने काम से काम। देखो सर मुझे तो पहले ही पता था अभी सोनक सेलेक्ट हो जाएगा, मैंने मतलब इसी शक्ल पे दिखता था क्लास में जो कंसंट्रेशन इसका होता था, अगर ऐसा कंसंट्रेशन हर बच्चा रखे तो आराम से सेलेक्ट हो जाता है। मतलब रिजल्ट नहीं आया था तब भी मैंने जितेंद्र सर को कह दिया था ये लड़का 600 प्लस नंबर तो कम से कम लाएगा ही लाएगा, ये मुझे पता था। ये सर ने मेरे से बोला था, तो देखो उस समय नंबर इसके नहीं आ रहे थे सर, मनीष से कम आते थे, लेकिन जो इसकी कंसंट्रेशन थी और ये जो पेपर को डिस्कस करता था बहुत अच्छे से डिस्कस करता था। अब कुछ लोगों की धारणा रहती है ना कि भाई वो 3 साल से तैयारी कर रहा है, वो 6 साल से, वो 5 साल से तैयारी कर रहा है, अरे भाई इन्होंने 6-7 महीने दोनों ही बच्चों ने देखा जाए तो सीरियसली 6-7 महीने लिए और क्वालिफाई कर लिया। स्कंद का आप देखो, स्कंद को कितना बड़ा दुख हुआ होगा सर जब इसका फर्स्ट ईयर इसने एग्जाम दिया था तो इसके 575 नंबर थे और 576 तक कॉलेज मिल गया था, और उसके बाद भी देखो इसने हिम्मत दिखाई। बहुत सारे बच्चे टूट जाते हैं, पेरेंट्स को परेशान कर देते हैं, नहीं हमें प्राइवेट दिलवाओ, और ये भी नहीं सोचते पेरेंट्स कहाँ से पैसा लेकर आएंगे, लेकिन इसने दोबारा से हिम्मत दिखाई रेगुलर। और मैं आपको बताऊँ स्कंद में आपकी वजह से जाता था कुरुक्षेत्र सेंटर। देखो कुरुक्षेत्र सेंटर से बिल्डिंग के लिए तो जाऊंगा नहीं मैं, कुरुक्षेत्र सेंटर के अंदर ड्रॉपर में सिर्फ 6 से 7 स्टूडेंट थे, पर ये एक बच्चा ऐसा था कि जो बस मतलब मैं जाता था मुझे पढ़ता हुआ मिलता था, मेरे से डिस्कस करता था सर मुझे टेस्ट चाहिए, हालांकि हमने उसको पढ़ाया बिल्कुल नहीं, ये अपनी मेहनत से सिलेक्ट हुआ है। अगर हम कहें कि भाई जेनेसिस ने बहुत बड़ा काम कर दिया है, इसकी अपनी मेहनत है, वो देखा जाए तो अभी सोनक की भी, भाई हमने 6 महीने तो पढ़ाया, उसके बाद तो टेस्ट की एनालिसिस खुद ही की। तो कुछ बच्चे क्या करते हैं कि अपने आप ही अपना कोई ना कोई एक्सक्यूज बना लेते हैं, है ना, कि घर का माहौल सही नहीं है, हमारे पापा पेरेंट्स जो है हमें इरिटेट करते हैं। अरे यार पेरेंट्स कैसे इरिटेट कर सकते हैं, पेरेंट्स तो अच्छे आपके अच्छे अच्छे के लिए बोलते हैं। इसका भी सर मैं कल मैं एक साइकोलॉजी के टीचर का आईएएस का कोचिंग पढ़ाते हैं, तो वो कह रहे थे कि सेल्फ मोटिवेशन बहुत जरूरी होता है, और आप आपस में खुद से एक बार आधे घंटे बात करो कि व्हाट यू वांट टू डू, क्या करना चाहते हैं, तो आप अपना सेल्फ मोटिवेशन खासकर इस टाइम पर वो मेंटेन रखना पड़ेगा। आप अपने आप को मोटिवेट करते रहो कि मैं अच्छा कर रहा हूँ, मैं और अच्छा कर रहा हूँ। बहुत बढ़िया, सेल्फ मोटिवेशन बहुत जरूरी है। हाँ जी गुरु जी, मिश्रा जी कुछ आप बच्चों को दीजिए गुरु मंत्र। जो अपना मुदित था, मुदित ने एक बात कही थी सर याद रखना, मुदित ने बोला था कि जो क्लास से पहले आप लोगों ने एक मोटिवेशनल सेमिनार लिया था, हम सारे टीचर आए थे, जिसमें मिश्रा जी खाते और चाय पीते सेमिनार दे रहे थे वेबिनार, तो मुदित ने कहा कि वो वेबिनार मुझे इतना ज्यादा मुझे मोटिवेट किया, उसने कुछ चीजें हम लोगों ने डिस्कस की थी कि पेपर कैसे करना है, कैसे एनालिसिस करनी है, टेस्ट में घबराना नहीं है, तो उसका बड़ा बेनिफिट हुआ था सर। तो मिश्रा जी सर देखिए, स्कंद को तो मैंने पढ़ाया नहीं, लेकिन अभी सोनक को तो मैंने पढ़ाया हुआ है। ये हमेशा सेकंड थर्ड बेंच में लेफ्ट साइड में कॉर्नर में बैठता था, एक चुपचाप रहता था क्लास में, और इसके फादर से भी मिला हुआ 2-3 बार, तो सिंसियर बच्चा है। और मेरा तो यही मानना है कि रिजल्ट बच्चों का होता है, हम तो सिर्फ बस कैटलिस्ट वाला काम करते हैं सर, सब्सट्रेट से बाइंड करते हैं और उसको फिर कन्वर्ट करके प्रोडक्ट में फिर नया सब्सट्रेट ढूंढने लग जाते हैं। नहीं कल मेरे बात हो रही थी मिश्रा सर से, कह रहे इतना अच्छा लगता है करनाल में पढ़ाते हुए, क्योंकि करनाल के जो बच्चे हैं एक तो ओबीडियंट बहुत हैं, और भले हमारे पास मान लिया कोई टॉपर नहीं आ रहा, बड़े इंस्टीट्यूट में चला जा रहा हो, लेकिन जो नंबर ऑफ सिलेक्शन हम लोग दे रहे हैं, हम एवरेज बच्चों से दे रहे हैं, और हमारे एवरेज बच्चे अबव एवरेज मार्क्स लेकर आ रहे हैं। यही अचीवमेंट है हमारा सर, यही मतलब हमारी एक छोटी सी टीम है, ऐसा नहीं है कि यार नर्वस कोई और पढ़ाता, जेनेटिक्स कोई और पढ़ाता, ये कोई और पढ़ाता है, फिजिक्स पूरा नवनी सर ही पढ़ा रहे हैं, केमिस्ट्री पूरा पूरा आप ही पढ़ा रहे हो, थोड़ा बहुत मोनिका मैम, बॉटनी जूलॉजी हम लोग दोनों ही पढ़ा रहे हैं, तो हम लोग मतलब जिस भी बैच में है तो कोई एक पर्टिकुलर टीचर ही पढ़ा रहे हैं, जैसे उधर डीएनजी सर पढ़ा रहे हैं, उधर अनिल पाल सर पढ़ा रहे हैं, मतलब हमारी एक 4-4, 3-3, 4-5 टीचर की टीम है, तो हम लोग जो भी है कि मतलब, और बच्चे यहाँ पे क्या है कि आप इनको कुछ बोलो तो ये करते हैं। तो अभी जो भी बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं, 12th वाले जो भी हैं और ड्रॉपर वाले हैं, यार फोकस बना के रखो, खुश रहो, अपने आप को खुश रखो, और कुछ नहीं करना है, और समय सबके लिए खराब है,
ठीक है, और है तो निकल जाएगा, क्या दिक्कत है। कुरुक्षेत्र सेंटर में अनिल पाल सर पढ़ाते हैं और बॉटनी में हमारे मिस्टर अहलावती हैं, वो पढ़ाते हैं सचेंद्र, और वो जो भी है मनीष सर और मिश्रा सर के अकॉर्डिंग ही, जैसा वो बोलते हैं उसी के अकॉर्डिंग ही पढ़ाया जाता है। तो आपके दिमाग में ये नहीं आना चाहिए कि भाई मनीष सर और मिश्रा जी नहीं करा रहे। तो नहीं नहीं नहीं, अनिल पाल सर से तो कंटिन्यूअस कांटेक्ट रहता है, बातचीत होती है बिल्कुल। ये तो हम लोग सारे कोऑर्डिनेशन में ही सारा काम कर रहे हैं। ठीक है, तो बस यार याद रखना कि बस अपने ऊपर भरोसा रखो और जो तुम्हें टीचरों ने पढ़ाया उस पर भरोसा रखो। जैसे मैं क्लास में हमेशा खड़े होकर बोलता हूँ, इसको अभी को याद होगा, यार जितना पढ़ा रहा उतना पढ़ लो, तुम्हारा भला हो जाएगा। हमेशा खड़े होकर मैं यही बोलता हूँ यार, रिसर्च नहीं करना, जो पढ़ा रहा हूँ उस पर ध्यान रखो, इतने में तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो वही है कि जो भी टीचरों ने आपको पढ़ाया है आप उस पर ध्यान रखिए, उसको बार बार रिवाइज कीजिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, और जो हाँ डाउट होता है इंटरेक्ट कीजिए टीचर से, और खुश रहिए। और क्या, और कुछ नहीं है आपके हाथ में, ये दो चीज, खुश रहना और मेहनत करना। ठीक है, अभी फादर हैं आपके अभी पास में? यस सर। अभी इतने स्कंद, इतने अभी सोनक के फादर आते हैं, तो इतने कुछ और एफएमसी के बारे में बताना, काफी लोगों का सपना होता है एफएमसी में जाना। एफएमसी का खाना कैसा होता है? सर खाना यहाँ पे हमारा मेस एशिया का सेकंड लार्जेस्ट मेस है। क्वालिटी बताओ यार, मैं भी बचपन से हॉस्टल में, क्वालिटी ही पूछ रहा हूँ सर, क्वालिटी ही बताने वाला हूँ अभी। क्वालिटी मतलब ऐसी है कि हम लोग बाहर से नहीं मंगाते, जोमेटो स्विगी कुछ भी हम लोग ऑर्डर नहीं करते हैं, हम मेस का खाना ही खाते हैं, ऐसी क्वालिटी है। और ये सिर्फ हम नहीं, सारे बैचेस, जितने भी 5 बैचेस हमारे ऊपर, सब मेस पूरा भरा रहता है और मेस कभी मिस नहीं करते सर। इतना अच्छा खाना है, हर चीज मिलती है, नॉन वेज वेज दो सेक्शंस अलग अलग है, मेस कमेटी है, मेस इंचार्जेस हैं, ऑफिसर्स मेस को सर्विलेंस करते हैं, हर रोज आके देखते हैं कि खाना कैसा बना है, कुछ ऑफिसर्स आके टेस्ट भी करते हैं कि खाना अच्छा बना है कि नहीं बना है, क्वालिटी कैसी है, पूरा एक चार्ट पेपर होता है। और हमारे जो बैचेस, हर बैच से 4 बच्चे होते हैं, 2 गर्ल्स 2 बॉयज, नॉन वेज वेज, वो मेस कमेटी कहलाते हैं, तो हमारे बैच से भी हैं, तो वो बच्चों को रिप्रेजेंट करते हैं कि खाने में ये कमी थी, ये बुराई थी, क्योंकि होता है इतना सारा खाना बनता है तो नमक कम ज्यादा चलता है, तो पर वो लोग पूरा एक मेन्यू डिसाइड होता है हमारा हफ्ते का कि आज ये मेन्यू है, आज ये है। और खाना बहुत अच्छा है सर, बहुत अच्छी क्वालिटी है। मतलब गर्ल्स बॉयज हॉस्टल अलग है कि सेम ही है? सर हमारे बैच के लिए सेम है, बाकी सब बैचेस के अलग अलग है, क्योंकि हमारा फ्रेशर बैच है, तो हमारी गर्ल्स हमारे हॉस्टल के पीछे एक यू ब्लॉक है, वहाँ रहती हैं। अच्छा। और बाकी सब जीएच गर्ल्स हॉस्टल में रहती हैं। वो है कैंपस बहुत बड़ा सर। हाँ मैं गया हूँ, एफएमसी गया हूँ मैं। यस। अच्छा, अभी सोनक के फादर आ चुके हैं। हाँ मैं अभी सोनक के फादर से पूछना चाहूंगा कि आपकी जो भूमिका है, चला गया वो नवीन, निकल गया, निकल गया नवीन शर्मा, निकल गया। तो अभी सीनियर में कौन है वहाँ पे? एक वो होगा अक्षित, होगा अक्षित मिगलानी, वो भी निकल गया होगा मेरे हिसाब से, उसका भी हो गया होगा। हाँ अभिनव के पास सर फादर, सॉरी अभी सोनक के फादर आ गए सर। तो मैं चाहूंगा कि इस पेंडेमिक में, क्योंकि लास्ट ईयर भी लॉकडाउन पहले ही हो गया था, अभी को आपने कैसे संभाला, कैसे मोटिवेट किया, खुद को भी कैसे मोटिवेट किया, क्योंकि आप भी बताते थे कि भी प्रॉब्लम तो थी, तो एक बार मैं चाहूंगा कि बच्चे भी हैं और पेरेंट्स भी हैं शायद उनके साथ बैठे हुए हैं, तो उनके बारे में कुछ। सर मैं अपनी तरफ से पहले पूरे जो टीचिंग स्टाफ आपके साथ बैठा है, जो हमारे आने वाले भावी डॉक्टर्स और जो उनके पेरेंट्स उनके साथ बैठे हैं, मैं सभी को हाथ जोड़ के अपनी तरफ से प्रणाम करता हूँ। जब हमारे बच्चे का 19-20 बैच में एडमिशन होना था, तो तुरंत जब बच्चे का एडमिशन जेंसिस में हुआ था क्लासेस में, तो तभी लॉकडाउन भी लग गया था। तो हम भी ये चीज सोचते थे भी अब क्या होगा, प्रॉपर जो फेस टू फेस क्लासेस लगती हैं उसका अनुभव कुछ रहता है,
और जो ऑनलाइन लगती थी उसका कुछ रहता था, तो मैं ये चीजें बार 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 सोचता था। तो इसी चीज को सोचते हुए मैं यही देखता रहा कि भाई अब क्या होगा क्या नहीं होगा, हम क्या कर पाएंगे क्या नहीं कर पाएंगे। लेकिन मैंने दो चीज अनुभव किए हैं सर अपनी लाइफ में, और मैं सभी से यही एक मेरा अनुभव एक छोटा सा एक लाइन का है, शेयर भी करूंगा। मैंने दो चीज अपने वो करी हैं। एक तो सबसे पहले आशा, हर इंसान एक इष्ट पे विश्वास रखता है किसी पे भी, हर हर इंसान का कोई ना कोई देवी देवता होता है। और दूसरी एक जेंसिस क्लासेस की परिभाषा, मतलब आशा तो परमात्मा से हर इंसान करता है, और परिभाषा उस बच्चे के लिए होती है कि जो उसका स्टाफ उसको बता रहा है, उसका स्टाफ उसको क्या गाइड करके लेके जा रहा है। जब ये दो चीज अगर बच्चा प्रॉपर तरीके से अपने आप को इसमें उतार लेता है, और पेरेंट्स अपने बच्चे के ऊपर भी और अपने इष्ट के ऊपर भी पूर्ण संपूर्ण विश्वास रखते हैं, तो मैं मेरा अनुभव ही बता रहा हूँ, जिसमें ये 100% होता है कि बच्चे का कहीं ना कहीं योग्यता के अनुसार एडमिशन होता ही होता है। और यही चीज सोच के मैं बार बार सभी से यही एक निवेदन करूंगा कि बच्चे को कभी भी अपने कम मत आंकना, कभी ये मत कहना उसको भी आपका भाई तेरा एडमिशन नहीं होगा, तू ये नहीं करता वो नहीं करता। अगर बच्चा प्रॉपर तरीके से अपने टीचिंग स्टाफ से प्रॉपर तरीके से टच में है, तो ये और जेंसिस परिवार एक ऐसा टीचिंग स्टाफ है सर कि इससे अगर वो प्रॉपर बच्चा टच में रहता है, मैं कहता हूँ कि वो कमी रह नहीं सकती किसी चीज में, वो बच्चा नहीं किसी चीज में पीछे नहीं रह सकता। तो मैं सभी माता पिता से यही बच्चों के यही प्रार्थना करूंगा कि उसको कभी भी ये मत कहें कि भाई तू नहीं कर सकता, वो कर सकता है, हर चीज कर सकता है, वाकई में कर सकता है। मैंने भी ये चीज बहुत मैं बार बार कई बार दिमाग में आती थी, मैं बच्चे को कह के सोचता था करने की या कहने की, लेकिन नहीं, अगर बच्चा अपनी मेहनत करता है और स्टाफ के टच में रहता है तो 100% एडमिशन होता है। मेरी तो आप सभी से यही हाथ जोड़ के विनती है कि वे बच्चे को प्रॉपर तरीके से उसके साथ रहें, उसको बार 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 उसको मोटिवेट करें कि तू कर सकता है, तेरे अंदर कोई कमी नहीं है, तेरे अंदर कोई कमी नहीं है। और सच में ही सर कमी नहीं होती, वो बच्चा कर जाता है, कर जाता है, उसे मोटिवेशन चाहिए सर, कर जाता है। ठीक बात कह रहे हैं आप, बिल्कुल सर। ये हमारे दोनों बच्चे जो हैं भाई रेगुलर परेशान भी होते थे, तो आप तो अपनी तरफ से मोटिवेट करते थे, हम भी यही बोलते थे भाई नंबर भले ही कम आए हों पर इस पेपर की एनालिसिस कर, करेगा तू। और ये फिर इन्होंने किया भी और अपने ड्रीम कॉलेज इन्होंने उठाए। सर मैं आपसे कई बार शेयर करता था, ये बच्चा दूसरे बच्चों की तुलना करवा देता था कई बार, तो आपने मेरे से एक प्रॉमिस किया था, और इस बच्चे को भी मेरे सामने मैं ये मेरे को कहता था, मैंने आपसे एक बार शेयर की थी गुरुकुल में कि सर बच्चा ऐसे ऐसे कहता था, तो आपने एक बहुत अच्छी लाइन की थी इससे कि भाई आप जब उन बच्चों को लेके आना कंपैरिजन करवाना और मैं दिखाता हूँ आप कहाँ और वो कहाँ थे, तो आज वो हुआ भी है। और एम्स के अंदर जो अब वहाँ गया है बच्चा जी, और क्या फैसिलिटी है सर वहाँ की। सबसे अच्छी चीज मेरे को क्या लगी कि वहाँ फीस, जिस चीज से मैं डरता था वो फीस बहुत है ही नहीं, सर्विस मिनिमम है ही नहीं, हाँ वो है ही नहीं। पूरे 6 साल की मान लिया जो मिला, मैं सोच के हैरान था, मैंने अभी को बोला बच्चे ये कंफर्म कर दोबारा से कि ये सच में यही है 1 साल की है या पूरे सेशन की है, तो उसने मेरे को कहा कि ये पूरे सेशन की है। तो सर मैं तो सभी से ये भी बताऊंगा कि इतनी कम फीस अगर बच्चे वहाँ इतनी तैयारी आप लोगों के साथ जुड़ के कर लें बच्चे, तो सर मैं कहता हूँ सोने पे सुहागा होता है। और सबसे अच्छी चीज़ क्या लगती है सर, वहाँ बच्चे को मैं जब भी अभी से बात करता हूँ प्रैक्टिकल में लगा होता है। छोटे कॉलेज में जब प्रैक्टिकल होती है सर, कुछ और लेवल की होती है, लेकिन एम्स की जो प्रैक्टिकल सर थ्योरी से भी ज़्यादा, जो बच्चा प्रैक्टिकल में निकल गया तो वो तो आपको पता ही है फिर आपका ये तो एम्स तो क्या बन गया है सारे हमारी भारत की शान है। हाँ जो भी बच्चा जाता है तो बताता है एम्स की फैसिलिटीज कितनी है,
और फीस कुछ भी नहीं, 5-6 हजार रुपए पूरे 5 साल की कुछ भी फीस नहीं है। मैं यही मतलब बच्चों यार आप मेहनत कर लो जम के, तो पेरेंट्स के ऊपर से कितना बर्डन उतर जाएगा। और जो सर प्राइवेट में चले जाते हैं ना, प्राइवेट में उनके पेरेंट्स हैं मिलते हैं, तो 60-70 लाख रुपए किसी एवरेज फैमिली को निकालना, वो बेचारा कुछ ना कुछ बेच के जमा करता है। और अगर पेरेंट्स बेचारे को 80 साल जीना होगा ना, तो उसकी ना 10 साल कम एज हो जाती है। अब जिनके भी बच्चे बहुत बढ़िया मेहनत कर रहे हैं और अच्छे गवर्नमेंट कॉलेज में जा रहे हैं, पेरेंट्स की जो है एज बढ़ जाती है, वो इतने खुश होते हैं, हम देखते हैं यंग हो जाते हैं पेरेंट्स, टेंशन फ्री हो जाते हैं। तो बच्चों आप सबसे बड़ी चीज आप दे सकते हो आप अपने पेरेंट्स को, आप मेहनत करो बढ़िया से। और जैसे कहा अभी के फादर ने कि आप कर सकते हो, सारे बच्चे कर सकते हैं, लेकिन एक टाइम टेबल और एक सही चीजों में लगना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद आप हमारे आह्वान पर आए। को भी नमस्कार करता हूं। और मनीष सर थैंक यू, थैंक यू मिश्रा सर, और स्कंद को तो बहुत बहुत धन्यवाद। स्कंद को मैंने बोला कि भाई वेबिनार देना है, बच्चे जो हैं वो आपको बुला रहे हैं, तो बोलता कि सर मंडे से लेकर और सैटरडे तक शाम तक बिजी रखते हैं, शाम को गेम का समय होता है और गेम में जाना कंपलसरी होता है। ये देखो अच्छा बच्चा, बच्चों ध्यान रखना जो इन दोनों ने कहा है। सर कितना आर्स पढ़ते थे बेटा, ये जो बच्चे थे ना इनसे पूछोगे ना कितने घंटे पढ़ते थे, तो इनका जवाब यही होगा कि जितना भी समय मिला इन्होंने मैक्सिमम पढ़ाई को दिया। और इस समय जो बच्चे क्लास 12th में हैं, जिनको एग्जाम देना है ना, इसी साल एग्जाम होना है, तो आप तो टेस्ट जितने कर सकते हो करो, और टेस्ट हो भी रहे हैं जेनेसिस की, ठीक है ना। चलो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, मोटिवेट रहो।